प्यारे बच्चों, मैं रामकरण प्रजापति पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज आप लोगों के समक्ष अपने अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। इसके पहले आप लोग भलीभांति पढ़ चुके हैं, एक बार और बताया जा रहा है इसको, आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। प्यारे बच्चों, आरोही क्रम जब हम एक से अधिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। यानी कि जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखने की क्रिया को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 15, 35, 28, 36, 98 का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वह क्या है, 15। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। 15 के बाद इस क्रम से आने वाली 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 28 आएगी, 28 लिखेंगे। 28 के बाद 28 से बड़ी संख्या क्या है, 35 है, 35 लिखेंगे। 35 के बाद 35 से बड़ी संख्या 36, 36 लिखेंगे। उसके बाद सबसे अंत में 98, ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सबके समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद और वही क्रम, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, ये जो होता है ये आरोही क्रम का सेम उल्टा होता है। इसमें हम सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते थे आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में जो है हम सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की तरफ लिखते हैं। तो एक से अधिक संख्याओं को जब हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 25, 36, 90, 27, 12 का अवरोही क्रम, इन संख्याओं का अवरोही क्रम लिखने के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। 90 से छोटी संख्या क्या होगी, 36, 36 लिखेंगे। यार बच्चों, 36 से छोटी संख्या क्या दिख रही है इसमें, 27, 27 लिखेंगे। 27 से छोटी संख्या क्या दिख रही है, 25, 25 लिखेंगे। 25 के बाद सबसे अंत में 12 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह दोनों चीजों के बारे में समझ गए, देख लिए, अब इसका हम होमवर्क दे देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 94 61 41 53 पर उसका जवाब लिखकर सेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।